एक्चुअली धनौली जो है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन धनौली पर ध्यान नहीं गया किसी का भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कई करोड़ के काम वहाँ पर हो चुके हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी कई काम बाकी हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा नाला जो पहले धनौली हमेशा पानी में डूबी रहती थी, अगर एक बार अगर मानसून की शुरुआत हो जाए तो धनौली में मैं सोचती थी एक एक मंजिल पूरे मकान डूब जाते थे। वो उसका हमने निस्तारण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने ये प्रस्ताव भी दिया कि धनौली बाकी में बहुत बेकार है, तो वहाँ पर नाले का निर्माण हो रहा है। और कोरोना महामारी जब से आई तो वो वहाँ का बजट रुक गया। जैसे तैसे लड़के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा और माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी कहा कि वो जो सीएनडीएस का नाला बन रहा है उसके लिए हमें धन आवंटित दोबारा कर दें। तो 2 करोड़ रुपए अभी हम लोग उसको लिए लेकर आए। अब वो नाला जैसे ही स्टार्ट हुआ तो दूसरी गली एक और है वो भी बेकार हो चुकी है बिल्कुल, और एक स्कूल का रास्ता है वो भी बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो छोटे छोटे जो काम जो पड़े हुए हैं उसकी वजह से गांव वाले धरना दे रहे हैं। धरना देना उनके लिए लोग समाधियां ले रहे हैं, यदि किसी की जान चली जाए नहीं, ये तो देखिए एक राजनीतिक फंडा है उन सभी का। अगर वो कहते, वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम लोग सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर समाधि क्यों ले रहा है समाधि? और फिर उसका मुझसे भी कोई पंगा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी भी दुश्मनी है उस महिला से या जो भी वहाँ पर हो। वो जो कर रहे हैं वो अपना तरीका जाने, लेकिन मेरा काम जो है वो मैं अपना काम करूंगी। मेरा काम ये है कि वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगी। लेकिन अगर राजनीतिक उससे कि अगर मुझे जो सुनने में आया कि वहाँ पर कुछ लेन देन करके कि धरना करना है और सरकार के खिलाफ बोलना है, ये सब अगर वो कर रहे हैं तो वो अपना तरीका करें। मेरा काम जो है मैं अपना काम करूंगी। आपका मानना है साजिश की जा रही एक तरह से खिलाफ? मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, लेकिन उनका ये है कि जैसे दूसरे विपक्षी जो है, दूसरे दल के जो लोग हैं वो मान लीजिए मैं किसी दल की हूँ और किसी को मुझे खिलाफत में खड़ा करना है तो उसको कुछ पैसे वैसे दे दिए, जो सुनने में वहाँ के लोग जो बोलते हैं धनौली के, उसको पैसे दे दिए कि धरना करो, जबरदस्ती करो, यहाँ पर समाधियाँ लो, ये सब बोला जा रहा है। तो जिसको जो करना है वो करे।